हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन मिंस पाई, जो बहुत इजी होता है और बहुत ही डिलीशियस। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके लिए मुझे चाहिए, मैंने 3 गार्लिक लिए जिसे रफली चॉप कर लिया है, 7 मशरूम्स, थोड़ी सी बेल पेपर का पीस, ऑनियन के स्लाइस कर लिए हैं, साथ में सॉल्ट, ब्लैक पेपर एंड रेड चिली फ्लेक्स। मिंस चाहिए होगा, इसके अलावा 2 टेबलस्पून प्लेन फ्लावर, 1 कप ऑफ मिल्क, थोड़ा सा ऑलिव ऑयल और पेस्ट्री चाहिए होगी, पफ पेस्ट्री। अब मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है जिसको गर्म करके इसमें सबसे पहले इसमें गार्लिक डाल दूंगी और 7 ऑनियन। अब इसने हल्का सा कलर चेंज किया तो अब मैं इसमें मिंस ऐड कर दूंगी और इसे अच्छी तरह मिक्स करूंगी और फिर मैं इसमें अपने स्पाइसेस डालूंगी, ब्लैक पेपर, रेड चिली फ्लेक्स एंड सॉल्ट। अब हम इसमें ऐड करेंगे मशरूम्स और फिर कैप्सिकम। मैं इसमें येलो वाली कैप्सिकम यूज़ कर रही हूँ, आपके पास ग्रीन है, रेड है, जो कलर आपके पास अवेलेबल है आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स करें, फिर 2 टेबलस्पून ऑफ प्लेन फ्लावर हमने ऐड करना है और मिक्स करने के बाद इसमें 1 कप ऑफ मिल्क ऐड कर देना है और जो चूल्हे की फ्लेम है वो बिल्कुल हल्की कर देनी है और इसको कवर करके 5 मिनट्स के लिए आपने रख देना है चूल्हे पर। ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब मैंने अपना ओवन भी टर्न ऑन कर दिया है प्री हीट होने के लिए, साथ एक बिग बॉल लिया है, साथ मुझे पफ पेस्ट्री चाहिए होगी, ये रोल्ड पफ पेस्ट्री है जिसको मैं कट कर लूँगी। इसे अपने बेकिंग ट्रे के हिसाब से कट कर लिया है और जो एक जो बच गया है उसको मैं सबसे पहले ट्रे में रखूँगी और ऊपर से चिकन मिंस डालूंगी जो हमारा मटेरियल रेडी हुआ है, और जो बाकी बच्चा जो हमारा ऊपर से पफ पेस्ट्री है उसको ऊपर से मैं प्रॉपर तरीके से सेट कर दूँगी और जो साइडें बच जाती हैं जैसे ये मैं सेट कर रही हूँ, जो साइड्स बच जाएंगी उसको मैं नाइफ की मदद से कट कर लूँगी, सेपरेट कर लूँगी ना अलहदा से। उससे आप कुछ और बना सकते हैं अगर ज़्यादा बच गया है तो, क्योंकि बहुत डिलीशियस। अगर कुछ नहीं भी बनाना तो वैसे ही बेक कर लें, वो भी बहुत मज़े का लगता है। अब मैं नाइफ़ की मदद से हल्के हल्के कट से लगा रही हूँ, आप फोक की मदद से भी कर सकते हैं। अब आप एक फोक की मदद से इसको इस तरह से साइड पे प्रेस करें कि वो साथ ऑलरेडी साथ ही स्टिक हुआ हुआ है, लेकिन इसकी मदद से वो ज़्यादा अच्छी तरह से स्टिक हो जाता है और एक हल्का सा वो उसमें लुक सी आ जाती है, नाइस सी लुक आ जाती है। साथ एक आपको एग चाहिए होगा जो कि आप मिक्स करके हल्का सा ऊपर ब्रश कर दें, ब्रश की मदद से अप्लाई कर दें पेस्ट्री के ऊपर। अब मैं इस पे हल्की सी कलवंजी जो है वो स्प्रिंकल कर रही हूँ, बट ये ऑप्शनल है। फिर मैंने इसको ओवन में रख दिया है 20 to 25 मिनट्स। जब इस पे हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए तो आप इस निकाल लें और ये बिल्कुल रेडी है। मैंने इसको लंच में यूज़ किया था, आप इसको डिनर में, लंच में, जब गेस्ट आए, जब दिल करे बड़े मज़े से जल्दी से बना सकते हैं, बहुत डिलीशियस होता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स, बाय, अल्लाह हाफिज़।